गाइस, आई एम सिम्बा एंड यू आर वाचिंग स्टार स्कूप। सारा आफरीन खान ने अपने बच्चों को टीवी इंडस्ट्री में करा है इंट्रोड्यूस। उनके ट्विन्स हैं एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल हर किड्स, बिकॉज जैसे कि उन्होंने बोला कि टीवी इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, बट दिस वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर मी एंड माई किड्स। जब मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया अपने सारे करीबी दोस्तों के साथ, टीवी इंडस्ट्री वालों के साथ, दैट दे विल बी वर्किंग फॉर यू गाइज। उनके ट्विन्स टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं और जितने भी उनके दोस्त थे और जितने भी वहाँ पे कलीग्स कास्ट क्रू थे, सब ने उनके बच्चों को ढेर सारा प्यार दिया है, अपनी बेस्ट विशेस दी हैं दैट दे शुड टच द हाइट्स ऑफ दी ऑफ देयर करियर। एंड यहाँ पे सारा आफरीन खान भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, बहुत प्रिटी भी लग रही थी। उनके अपने बच्चों के लिए जो दुआ थी वो फाइनली पूरी हो गई है। सो लेट्स वॉच द क्लिप्स ऑफ सारा अली खान इंट्रोड्यूसिंग हर किड्स टू द टीवी इंडस्ट्री। ये मेरी लड़की है, हमारी लड़की है आइजा, जो एक मिनट पहले जिदान से पैदा हुई। जिदान, ये जिदान है। जिदान का मतलब है somebody who is successful and makes other people successful. इसका नाम का मतलब है और इसका ब्लेसिंग। So this is जिदान, hello. Hi. Hello. They already want to take the mic and talk. Look. I think white देना है, कुछ कहना है। I say, you want to say something? Say, Mama. She's not interested in Mama. She's got media. Say, hi, media. Hello. Welcome me to the world. All right. So, कितना privilege moment है होता है ये आप लोगों के लिए, and क्या कुछ yeah, क्या feeling है हाल twins? Twins. मैं भी twin हूँ. मेरे भी twin बहन है. तो ये मतलब हाँ, so same. और yeah, it's a very privileged moment because. The बच्चे आते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि इसका अफेक्ट क्या है, वैल्यू। हाँ, एंड मेक्स यू रियलाइज मोर सेल्फ वैल्यू, मोर मिशन इन लाइफ। ऑफ कोर्स, या वेरी नाइस। या मतलब हम लोग को लगता है कि जिंदगी में बहुत प्यार कर लिया, शेयर कर लिया, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन डू, एंड देन यू गेट बेबीज, एंड देन कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना और अपने दिल में और प्यार हो सकता है, और सैक्रिफाइस हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है। गॉड नोज, बीइंग अ मदर इज समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। मोर मीनिंग इन लाइफ। हां, देयर इज मोर मीनिंग, डेफिनेटली, एंड मोर हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट? व्हाट हैपेंस इन लाइफ स्टेज इन लाइफ। सो क्या विश करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में यहां पर? एक ट्विन पेरेंट टू अनदर ट्विन पेरेंट, get ready for adventure, trust me, is the most amazing adventure. Lekin bhai apni jo ek team hoti hai, ek army hoti hai, wo ready rakhna, because twins jo hote hai na, wo aapki band baja denge. I said they need a lot of attention, lot of love, lot of entertainment, so, a lot of entertainment. So KBTG, out of experience kya kuch tips dena chahenge for their parenthood? I think, you know, ye नैनी नहीं चाहिए, यू नीड समवन हू कैन प्ले विद देम ऑल डे लॉन्ग, एवरी डे। मतलब एक्चुअली उनको हर सुबह से शाम तक, जैसे सुबह उठें उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट चालू होना चाहिए। तो जितने भी घर के मेंबर्स आप मिल सकते हैं, हो सकते हैं, आ जाओ घर पे, एंटरटेन करो, एंड नैनी हो तो ठीक है, बट एक्चुअली दे नीड पर्सनल अटेंशन, दैट्स व्हाट दे नीड। ऑलराइट, रोल है, ऑलराइट। सो क्या विश करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में सारा? खुशखबरी है तो, यू नो, इट्स अ गुड न्यूज़, ब्लेस द किड्स एंड ऑल द बेस्ट टू आरफिन एंड सारा, क्योंकि हमारे पास दो हैं, अलग अलग आए थे, इन लोग के तो साथ में आए, तो मज़ा अलग ही होगा। एक्चुअली मैं आरफिन खान की स्टूडेंट हूँ, एंड आई एम अ क्वालिफाइड लाइफ कोच, जो वो करते हैं,
और तब जब स्टेज पे हमें लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि जब सारा प्रेग्नेंट थी तब डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक ही बच्चा है. सो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ध्यान में आई एम श्योर आई हैव गॉट ट्विन्स. And then when she went for the second checkup, that's when they got the good news that it's twins. And you know, one boy, one girl, so perfect, matlab family puri ho gayi ek hi shot mein. I wish we all had that chance. All right. Yeah. Thank you. Thank you. You all the best. Chahiye aap apne andaaz mein sara twins. मैं अपने अंदाज़ में, मेरा एक बहुत बहुत सिंपल अंदाज़ है यार. मैं तो बच्चों को जाकर मतलब छूना चाहती हूँ, लेकिन आज शायद नहीं करूँगी. तो मैं दूसरे ही अपने पुराने अंदाज में उनको हाई हेलो करके निकल जाऊंगी. ऐसे कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे ऐसे सेफ रहे बच्चों को कैसे ध्यान रखें? आई डोंट नो आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन मेरे 3 साल का नेफ्यू है. हाँ, इसीलिए पैदा होते ही मेरे हाथ में आ गया था. हाँ. आधे टाइम मेरी बहन ने मुझे को जगा के रखा था जब वो उसको फीडिंग करती थी. तो या तो मुझे काफ़ी मतलब मेरे सब फ्रेंड्स के पास बच्चे हैं. मैं बच्चों के साथ ही आई थिंक अब पल बढ़ रही हूँ. तो मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं एंड खुद के नहीं हैं लेकिन सबके हैं. तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है. पर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा लोगों को अपना डिस्टेंस रखना चाहिए बच्चों से, बिकॉज इट्स नॉट नाइस कि आप बच्चों को जाकर आके गले लगा लें. आई थिंक अब्रॉड पीपल आर रियली केयरफुल. इनफैक्ट जब मैं US में थी, आई रिमेंबर कि मैं जाकर एक बार यू नो एक बच्चे से जाकर सो क्यूट कर दिया, शुरू कर दिया. उसके पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह लुक दिया, मतलब कितने मुझे ऐसा क्यों लुक दिया. देन आई रियलाइज कि हर जगह इंडिया की तरह नहीं होता जहाँ पर आप किसी के बच्चे को भी जाकर छू सकते हैं. पीपल लाइक एवरीबडी सैनिटाइज कि हाथ उनके सैनिटाइज होने चाहिए, कि मतलब जाकर बस आप उनको किसी ना कर दें, उनको हग ही ना कर दें. सब बच्चों को पसंद है बट यू शुड नॉट डू दैट. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. और ऐसी और मजेदार चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन.
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।